Welcome to the Gateway of Legends. They say this is the land where gods walked and where journeys end at the edge of the world. But what lies beyond the stories? Let's find out. Hello and welcome back to our channel Triple Carry to a new vlog. And aaj hum log hai Pampan Bridge pe. अरे अच्छा, जब तक मैं कैब वापस लाती हूँ तब तक आप लोग देख लीजिए पिछला व्लॉग जहाँ पे एंड हुआ था उसके बाद क्या क्या हुआ। यहाँ पे तमिलनाडु प्लास्टिक फॉरेस्ट प्लास्टिक चेक पोस्ट है, यहाँ पे 20 रुपीज देने को है और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमें प्लास्टिक बॉटल्स बाहर थ्रो नहीं करना है और 15 किलोमीटर बाकी है धनुषकोडी पहुँचने में। सी यू ओवर देयर। फिलहाल हम लोग जैम में अटके हुए हैं और इट्स 5:05। धनुषकोडी एक ब्रिटिश टाउन हुआ करता था। 1964 में एक साइक्लोन हिट हुआ जिसकी वजह से पूरा धनुषकोडी एकदम रुइंस में चला गया और गवर्नमेंट ने स्पेशली इस टाउन को घोस्ट टाउन डिक्लेयर किया था क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा था। उसके बाद तो काफ़ी कुछ रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, जैसे स्कूल रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, चर्च, पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह। Of India towards Sri Lanka. धनुषकोडी के बाद यहाँ पे राम सेतु भी है जो इस पर माइथोलॉजी लॉर्ड राम और हनुमान ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि राम ने अपने एरो से इसको नष्ट कर दिया था जब वो सीता को लेके वापस आए थे और उसी से इस जगह का नाम पड़ा धनुषकोडी। नेचर इज रियली वियर्ड। ये जो राइट साइड का पानी है ये ऐसा पूरा वाइल्ड और इतना वेव्स, बड़े बड़े वेव्स, और लेफ्ट साइड में देखो एकदम शांत। इट्स अ कियोस ओवर हियर, मतलब कुछ रूल कोई कुछ नहीं है, सब अपने मर्जी से जा रहे हैं, अटक रहे हैं। स्पेशली जो बसेस हैं वो सबसे ज्यादा कमोशन क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग कब पहुंच गए थे लेकिन अभी 5:20 हो रहा है, अभी भी यहीं पे अटके हुए हैं। Where the Bay of Bengal meets the Indian Ocean, Dhanushkodi stands as a reminder of nature's power and history's untold mysteries. Once a bustling port, Dhanushkodi whispers stories of ancient myths and modern tragedy. The water is beautiful, but yahan pe kaafi bheed hai. In my mind it was like pura khali khali hoga, but nahi, aisa bilkul nahi hai, kaafi bheed hai. और काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। यही राम सेतु है क्या? अरे की बोलना इंडिया शेष। Called the end of the world by locals, Dhanushkodi is a place where time slows down and every grain of sand tells a story. After a few minutes, the crowd started dispersing and we started settling in, not before witnessing a lovely sunset.
सो अभी धनुषकोडी छोड़ के हम लोग जा रहे टूवर्ड्स द टेम्पल। टेम्पल का नाम जाके बताते हैं, मैं भूल गया हूँ फिर से। अभी हम लोग जा रहे हैं टेम्पल के तरफ। ये भी काइंड ऑफ सिचुएटेड है एक जगह पे जहाँ पे दो या मे बी थ्री साइड से पानी से घेरा हुआ है। गाड़ी इधर पार्क और इधर लोग जा रहे मंदिर की तरफ। बहुत पुराना मेमोरीज है इस मंदिर का, तब तो धनुषकोडी नहीं आ पाए बट इधर आए थे हम लोग 6-7 जन दोस्त। ये रोड से हम लोग आए वो चला जाता धनुषकोडी लाइन में रामेश्वरम और बीच में से। मंदिर के अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है पर बाहर से मस्त दिखता है एज इफ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। कितना सुंदर लग रहा है स्काईलाइन, इतने सारे कलर्स हैं नेचर के। देखो ये भी क्या मस्त लग रहा है। होटल्स चेकआउट कर रहे हैं एक के बाद एक, तो इसीलिए थोड़ा टाइम जा रहा है। काफ़ी भीड़ है क्योंकि ये पूरा टेम्पल लोकेशन है तो इसकी बहुत भीड़ है, बहुत मतलब एकदम नैरो गलीज है। सप्तशी एक और होटल जा रहे हैं, ये होटल सिंधूर राजा है। हम लोगों ने जो सी व्यू होटल से वहाँ पे भी कॉल किया था, वहाँ पे सब सोल्ड आउट है। एंड टू बी ऑनेस्ट क्योंकि हम यहाँ पे बस एक ही रात रुकने वाले हैं और कल बस पूजा दे के हम लोग निकल जाएंगे। सी व्यू ही लेना है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है हमारा, जो भी टेम्पल के पास मिले इट्स फाइन। तो हम लोग आ रहे थे, अचानक से एक लड़का आया बाइक पे, अरे आपको होटल चाहिए, चलो चलो यहाँ पे, एंड फोर्स करने लगा। सो वी डिडंट लाइक द एटीट्यूड। एनीवेज तो मैं नहीं जा रही, आई एम सिटिंग इन द कार और सप्तशी गए हैं, वो रूम वूम सब चेक करके फिर आएंगे। फाइनली होटल सेंथूर राजा में आ चुके हैं एंड दिस इज द होटल। हमारा रूम ये 3-bed room है और इसका प्राइस हमें पड़ा है 2000। एसी है, टीवी है, होटल का नाम लिखा गया है, हाँ हाँ, टेबल टॉप है और गीजर भी है, सो एक रात के लिए इट्स फाइन। अभी 9:10 बज रहा है और हम लोग निकल रहे डिनर के लिए। यहाँ मैक्सिमम होटल्स में ना मतलब खाना नहीं मिलता है, लेकिन बाहर बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप जाके खा सकते हो। ऑब्वियसली साउथ इंडियन खाना ही है, तो हम लोग वहाँ पे जाने हैं डिनर करने के लिए। एंड स्तोवान को तो बस बड़ी जगह मिली है तो वो नहीं जाना चाहता, वो यहाँ खेलना चाहता है, तो उसको उठा कर जा रहे हैं। एंड फाइनली साउथ में आके साउथ की फिल्टर कॉफी। तो हम लोग इधर खाने को आए थे, इधर नॉर्मल जो जो है, इधर मील्स नहीं है, इधर इडली डोसा चपाती वड़ा और फिल्टर कॉफी। और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा वॉक करने और थोड़ा मेडिसिन शॉप ढूंढने। और ये नाइट वॉक पे निकले हैं, ये है मंदिर, ये मंदिर का वेस्ट गेट है शायद। इट इज क्लोज्ड, 8 PM तक ओपन रहता है, ये बंद हो गया। हाँ वेस्ट टावर एंट्री। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामेश्वरम एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम आर बैल्कनी। रामेश्वरम मंदिर इधर से दिख रहा है एंड इधर से सीज भी दिख रहा है। सो दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग नाउ ऑलरेडी। टाइम कितना हो रहा है?
अभी इट्स 8:10, वी आर रेडी, और हमें पता चला कि गौतम होटल से पूछा कि बस एक फोन अलाउड है, बाकी पर्स वॉच ये सब तो रख ही जाना है. नो कैमरास टू, नो कैमरास टू, एंड शूज तो वहां जाकर उतारने हैं. सो होपफुली कैमरा से, फोन से रिकॉर्ड करेंगे तो आप लोग से बात करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग दिस स्टेज बैक हियर. इस रास्ते से हम लोग आए हैं, इधर ही टेंपल है और इधर जो पीछे इधर ही समुद्र स्नान होता है. समुद्र स्नान करने के बाद आप टेंपल में एंटर कर सकते हो. ये रहा ईस्ट गेट, पर इधर से जाना है बस अपना चप्पल उतार के. चप्पल कहाँ उतारना है वो देखना है. पता नहीं अंदर रिकॉर्ड कर पाएंगे कि नहीं, परमिशन होगा कि नहीं, इधर से घुसेंगे ईस्ट गेट. दर्शन के लिए ईस्ट गेट जा रहे हैं हम लोग. अभी स्पेशल दर्शन वाले क्यू में हैं. और अभी दर्शन हो गया है, एग्जिट गेट की तरफ जा रहे हैं. अंबल श्राइन, अंबल श्राइन, अंबल श्राइन. ओके ओके, लेट्स गो. तो हमारा अम्बन श्राइन दर्शन भी हो चुका है, अभी शायद एग्जिट की तरफ जा रहे हैं बाहर. ओके लेट्स गो. टाइम टू गो. अभी प्रसादम के लिए आए हैं, स्वीट पोंगल लेंगे हम लोग. नॉर्थ गेट है, स्नान के लिए नॉर्थ गेट से जाना होता है और वहाँ पे एक नॉर्मल लाइन है और एक वीआईपी लाइन है. वीआईपी लाइन के लिए आपको पर है 2 रुपीज देना होगा रुपीज. और तो हम लोग उधर से ही गए थे. सो दीज आर द 22 होली वेल्स. एंड आपको दिख ही रहा है हम लोग नहा नहीं रहे, सिर्फ छिड़क रहे हैं पानी कि बच्चा को ठंड लग जाएगा. यहाँ नहाना ना भी चाहो तो कोई आपको सूखा देखेगा तो पानी डाल ही देगा. अभी 11 बज रहा है, हम लोग अभी निकले. ये स्नान जल है, हम लोग तो पूरा नहाए नहीं, थोड़ा थोड़ा लेकिन स्तुवान पूरा नहीं, पर फिर भी उसको ठंड लग जाएगा. हाँ ठंड लग जाएगा. तो यहीं से बहुत एक्सपेंसिव टी शर्ट खरीद के उसको पहनाया. और ये है घर वाले के लिए 22 फुट का पानी. 22 कुंड का नहीं है उसमें. तो हम लोग ने तो सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि पूजा देना था. तो अभी हम लोग यही मंदिर के पास छोटी 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 स्टॉल्स टाइप्स हैं जहाँ पे आपको सारा साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा. तो वहीं पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं. एकदम लोकल फ्लेवर अपना ये डेडिकेटेड डब्बा इडली और पोंगल. Just checked out. अभी जा रहे towards कन्याकुमारी. कन्याकुमारी 5 hours 39 minutes 312 kilometers. और हम लोग का आज destination है कन्याकुमारी sunset viewpoint. अमर पदम वही है जहाँ पे वो floating rocks जिससे राम ने राम सेतु बनाया था. Turn right onto National Highway 87. वो वाला का एक म्यूजियम टाइप का है, वो फ्लोटिंग रॉक उधर रखा है. धनुषकोडी जाएंगे और रामेश्वरम टेम्पल जाएंगे, दोनों ही हो गया. बट यू हैव टेक्ड एवरीथिंग दैट वी वांटेड टू. पानी. ब्यूटिफुल
ब्यूटीफुल वाटर्स, ये भी देख के लग रहा है फ्लोटिंग रॉक्स ही है। पवन ब्रिज वो ब्रिज है जो रामेश्वरम को इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। रामेश्वरम इंडिया का लास्ट पॉइंट है श्रीलंका की तरफ, और जो लास्ट इंडिया का पॉइंट है उसको धनुषकोडी बोलते हैं, जिसके बाद राम सेतु हुआ जो कि अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। सारे बर्ड्स देखो, और ये जो ब्रिज है ये ना बीच से खुल जाता है और नीचे से सारे शिप्स जाते हैं। सारे बोट्स पूरे स्टैग्नेंट है, ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग है जैसे, इट्स जस्ट आउट ऑफ अ मूवी क्लिप। और हाँ, यहाँ पे कोलकाता वाइजैग बेंगलुरु इज डन। आज हम लोग जा रहे हैं कन्याकुमारी।